हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेसवे की, जो आपके एक्सप्रेसवे होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उसको आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, जैसे आपने हाईवे के बारे में सुना होगा कि दो तरह के हाईवे होते हैं, एक आपका नेशनल हाईवे होता है, दूसरा आपका स्टेट हाईवे होता है। उसी तरह से सेम हमारे एक्सप्रेसवे भी होते हैं। आपका नेशनल एक्सप्रेसवे होता है और आपके नेशनल एक्सप्रेस के साथ साथ आपके स्टेट एक्सप्रेसवे भी होते हैं, सेम टू सेम आपके हाईवे की तरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो नेशनल एक्सप्रेसवे हैं वो क्या होते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेसवे जो आपको थ्रू आउट नेशन कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारी कंट्री है उसकी इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इंडस्ट्रियल हब्स हैं, या फिर आपके पोर्ट्स हैं, या फिर एयरपोर्ट्स हैं, तो उनको आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? नेशनल एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं। या फिर आसान भाषा में आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा एक्सप्रेसवे जो आपका दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट को आपस में कनेक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल एक्सप्रेसवे। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो कभी भी किसी भी रोड को, किसी भी एक्सप्रेसवे को आपका नेशनल एक्सप्रेसवे बना सकता है, बशर्ते बस उसकी इम्पॉर्टेंस इतनी होनी चाहिए हमारे देश की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इम्पॉर्टेंस है, तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी भी एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे बना सकती है। अब कोई भी एक्सप्रेसवे आपका नेशनल एक्सप्रेसवे बनेगा तो क्या होगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किया जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पैसे लगाएगी, उसकी टेक केयर करेगी, उसका मेंटेनेंस देखेगी, तो अच्छा पैसा मिलेगा, तो अच्छी तरह से चीज़ें हो रही होंगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है, वो तो आपका बिल्कुल पास पास में ही है, एक ही स्टेट में है, यूपी में है, और दोनों बिल्कुल पास पास में ही हैं। आप देखेंगे लखनऊ और कानपुर के बीच में मात्र आपका 60-65 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नेशनल एक्सप्रेसवे बना दिया, लखनऊ कानपुर नेशनल एक्सप्रेसवे। तो ये इम्पॉर्टेंस है आपकी, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं आपकी, हसरते लखनऊ, बसरते कानपुर और सुरमई बरेली। तो बरेली तो गया, ठीक है ना, लेकिन लखनऊ और कानपुर को आपस में कनेक्ट करके आपका नेशनल एक्सप्रेसवे बना दिया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जा रहा है, तो उसकी टेक केयर अच्छे से होगी, इसमें सारा का सारा पैसा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, तो हमने उसको क्या बोला? नेशनल एक्सप्रेसवे। बात समझ आ रही है? तो आप देखेंगे इंडिया में कितने सारे नेशनल एक्सप्रेसवे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये देखेंगे स्क्रीन पे। और अभी तक आप देखेंगे इंडिया में इतने सारे नेशनल एक्सप्रेसवे हैं, आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 1 से लेके और ये आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 10 तक। तो करीबन आज की डेट में इंडिया में 10 से 11 नेशनल एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन इसमें कितने ऑपरेशनल हैं, जो कि अभी वर्किंग कंडीशन में है, जिसके ऊपर आप मूव कर सकते हैं, तो वो सिर्फ आपके दो ही हैं। एक आप देखेंगे आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 2 है, जिसको आप ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, KGP एक्सप्रेसवे, कालिंदी गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, वो आपका अभी ऑपरेशन कंडीशन में है। और इसके बाद आप देखेंगे ये आपका दूसरा एक्सप्रेसवे है, जिसको आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, नेशनल एक्सप्रेसवे 3, और ये आपका अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे। तो ये तीन एक्सप्रेसवे आपके अभी ऑपरेशनल कंडीशन में है। बाकी के जितने भी आपके नेशनल एक्सप्रेसवे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखेंगे आपका NE6 है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, ये मात्र आपका 62 किलोमीटर का है, यूपी में ही है, तो भी हम इसको नेशनल एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं, क्लियर। आप ये देखेंगे अहमदाबाद बड़ौदरा एक्सप्रेसवे, ये तो गुजरात में ही है, फिर भी हम इसको नेशनल एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिया के ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नेशनल एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है। तो इतने सारे एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें से आपके सिर्फ तीन एक्सप्रेसवे हैं जो कि अभी ऑपरेशनल कंडीशन में है। बाकी के जो एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, इवन आपका जो बड़ौदरा मुंबई सेक्शन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, वो भी आपका नेशनल एक्सप्रेसवे में आता है, वो अभी आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में है। आप देखेंगे तो मार्च 2023 लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक बना नहीं है, लेकिन 2023 के आखिरी तक ये आपका हो सकता है कि ऑपरेशन में आ जाए। तो ये सारे हमारे नेशनल एक्सप्रेसवे में, जानना नहीं है, अभी सिर्फ आपके 10 से 11 नेशनल एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें तीन आपके ऑपरेशनल है, बाकी आपके अंडर कंस्ट्रक्शन में, आने वाले 1-2-3 सालों में आपको चीज़ें दिख रही होंगी। अगर हम बात करें कि जो आपके नेशनल एक्सप्रेसवे हैं उसको प्लान करने की, डेवलप करने की, उसका मेंटेनेंस करने की, टेक केयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो उसमें एक आपका मिनिस्ट्री है नॉर्थ, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के नाम से जानते हैं। अगर आम भाषा में बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय।
तो वो आपकी नेशनल एक्सप्रेसवे को देख रहा होता है, प्लान कर रहा होता है कि कहाँ कहाँ पे नेशनल एक्सप्रेसवे बनने हैं, क्या करना है। तो वो सारी अथॉरिटी मॉर्थ के पास ही होती है, मॉर्थ ही उसको फंड कर रहा होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही होती है। बस समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट एक्सप्रेसवे के बारे में। अब ये स्टेट एक्सप्रेसवे क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा एक्सप्रेसवे जो आपका स्टेट गवर्नमेंट डेवलप करवा रहा है, जिसके थ्रू हम थ्रू आउट स्टेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं। मीन्स जो आपका स्टेट है उसके अंदर जो आपकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट आपके टाउन्स हैं, आपके ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, आपके टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, तो उनके बीच में हम लोग आपके स्टेट एक्सप्रेसवे को डेवलप कर रहे होते हैं, जो कि आपके एक स्टेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, जिनमें आपकी एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, पोर्ट्स वगैरह हैं, इंडस्ट्रियल हब्स हैं, उनको आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, फास्ट लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेट एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं। और स्टेट एक्सप्रेसवे आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा फंड किए जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट में आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें जो आपका PWD मिनिस्ट्री होता है, जिसको आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या फिर लोक निर्माण विभाग बोलते हैं, वो इसको देख रहा होता है, वो इसको फंड कर रहा होता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक्सप्रेसवे को डेवलप करने का काम करती है। जैसे कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आपका UPDA है, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, स्टेट एक्सप्रेसवे, जो कि एक स्टेट के अंदर ही होता है, उसके बाहर पॉसिबल नहीं है, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही आपके फंड किए जाते हैं, और जो कि एक स्टेट के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, भले ही वो आपका ट्रेड हो, आपका टूरिस्ट हो, आपका इंडस्ट्री हो, आपके एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, उनको आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, ताकि थोड़ा सा लॉजिस्टिक फास्ट हो सके, फास्ट मूवमेंट हो सके। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हमारे देश में स्टेट एक्सप्रेसवे की क्या पोजीशन है। ये देखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेसवे बाय स्टेट, और ये जो डाटा है वो आपका मार्च 2023 तक का है, और ये सारे एक्सप्रेसवे क्या हैं, ऑपरेशनल कंडीशन में हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के किस स्टेट में कितने सारे आपके एक्सप्रेसवे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा आप एक्सप्रेसवे देखेंगे यहाँ पे, वो आपके किस में है, यूपी में 8 एक्सप्रेसवे हैं, और ये बोला भी जाता है यूपी इज़ द कैपिटल ऑफ एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया। तो आज के समय में यूपी में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बन रहा है और बन चुका है, ये तो ऑपरेशनल कंडीशन में है। आज की डेट में यूपी में देखेंगे तो 8 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल कंडीशन में है, जिसकी टोटल लेंथ 1396 किलोमीटर है, 867 माइल्स। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और बाकी ये आप देख सकते हैं बाकी की स्टेट्स में कि कितने आपके एक्सप्रेसवे हैं। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में अभी आपके 6 एक्सप्रेसवे हैं, हरियाणा में 7 हैं, राजस्थान में 2 एक्सप्रेसवे हैं, ये हम स्टेट एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। वहीं आप गुजरात में देखेंगे तो आपका सिर्फ एक आपका स्टेट एक्सप्रेसवे है, बाकी नेशनल एक्सप्रेसवे है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका स्टेट का अभी सिर्फ एक ही एक्सप्रेसवे है। बाकी आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में यहाँ पे ये 2 एक्सप्रेसवे दिखा रहा है, वो भी सिर्फ आपका 33 किलोमीटर का। तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि आपके कितने सारे स्टेट के एक्सप्रेसवे हैं जो कि अभी ऑपरेशनल कंडीशन में है, अगर हम इसकी टोटल लेंथ देखें तो वो आपकी कुछ होती है 4067 किलोमीटर। टोटल 44 आपके स्टेट एक्सप्रेसवे हैं जो कि अभी ऑपरेशनल कंडीशन में है, जिस पे आपके व्हीकल मूव हो रहे हैं। तो ये हमारे क्या हैं, स्टेट एक्सप्रेसवे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे अकॉर्डिंग टू लेन, कि कितने लेन का एक्सप्रेसवे, उसके हिसाब से भी हम एक्सप्रेसवे को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे बिल्कुल जो बेसिक लेवल है वो है आपका 4 लेन एक्सप्रेसवे, इससे कम पॉसिबल नहीं है। जितने भी आपके एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहे हैं, एटलीस्ट आपका 4 लेन का होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि जो आपके एक्सप्रेसवे होते हैं वो आपके हाई स्पीड से हाई वॉल्यूम का ट्रैफिक फ्लो कराने के लिए बनाए जाते हैं। तो इससे कम होगा तो फिर हाई वॉल्यूम का ट्रैफिक तो फ्लो हो नहीं पाएगा। एज पर IRC आप देखेंगे कि जो आपके एक्सप्रेसवे के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होते हैं, उससे हम 4 लेन से कम का एक्सप्रेसवे बना ही नहीं सकते हैं। अगर बनाएंगे तो फिर हम हाई स्पीड से हाई वॉल्यूम का ट्रैफिक कैसे फ्लो कराएंगे, बात समझ रहे हैं, फिर वही जाम लग रहा होगा, घंटों जाम में फंसे रहिए। तो इससे कम में तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप इंडिया में देखेंगे जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं, तो कोई भी एक्सप्रेसवे होगा कम से कम 4 लेन का तो होगा, 2 लेन आपकी लेफ्ट में होती हैं, 2 लेन आपकी राइट में होती हैं, और इसकी जो लेन ब्रेथ है वो भी अलग होती है नॉर्मल रोड्स हाईवे के कंपैरिजन में, ठीक है ना। इसका जो ईच लेन ब्रेथ होता है वो आपका स्टैंडर्ड होता है 3.75 मीटर, जबकि नॉर्मल रोड्स हाईवे में ऐसा नहीं होता है,
नॉर्मल रोड्स और हाईवे में आप देखेंगे कि जो आपका मल्टी लेन के केस में जो आपका ब्रेथ होता है वो आपका 3.5 मीटर होता है, और यहाँ पे जो मल्टी लेन के केस में जो आपका ब्रेथ है वो कितना है, 3.75 मीटर है। बात समझ आ रही है? तो कम से कम आपको 4 लेन का एक्सप्रेस वे देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी 2 लेन लेफ्ट में होती है आने के लिए और 2 लेन राइट में होती है जाने के लिए। इसके बाद देखेंगे हमारा 6 लेन का एक्सप्रेस वे है। तो इस तरह से ये आपका 6 लेन का एक्सप्रेस वे जो आई थिंक आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, आपका 8 लेन का एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आप देखेंगे 8 लेन का एक्सप्रेस वे है, ये आपका 10 लेन का एक्सप्रेस वे है, और ये शायद आपका बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे है, फिर ये आपके 12 लेन के एक्सप्रेस वे होते हैं, फिर आपके 14 लेन के भी एक्सप्रेस वे हैं इंडिया में। तो आज की डेट में अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आपको 4 लेन से लेके 14 लेन तक के एक्सप्रेस वे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके ऑपरेशनल कंडीशन में हैं या फिर आपके अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। तो इससे कम तो पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा तो फ्यूचर में हो भी सकता है, लेकिन कम का तो सवाल ही नहीं है। अगर आपको हाई वॉल्यूम का ट्रैफिक हाई स्पीड से फ्लो कराना है तो कम तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एज़ पर लैन हम एक्सप्रेस वे को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। और आज की डेट में आप देखेंगे जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वो आपके 6 लेन के एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जिसको हम फ्यूचर में 8 लेन और 10 लेन तक एक्सपेंड कर सकते हैं। आगे देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सप्रेस वे अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। जब आप एक्सप्रेस वे का नाम सुनते हैं तो उसके आगे पीछे आपको कभी कभी सुनने को मिलता होगा ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे, तो वो चीज़ क्या होती है? तो यहाँ पर देखेंगे हमने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं एज़ पर कंस्ट्रक्शन, एक आपका ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और दूसरा आपका ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो आपको ग्रीन फील्ड का मतलब समझ में आ जाएगा। ग्रीन फील्ड का मतलब ये नहीं है हरा भरा, इसका मतलब कुछ और ही होता है। तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेस वे जिसको हम बिल्कुल स्क्रैच से तैयार कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेस वे जो बिल्कुल आपका नए सिरे से तैयार हो रहा है, स्टार्टिंग से लेके हैंड ओवर तक बिल्कुल नए सिरे से हम इसका काम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेस वे जिसको हम ऐसी जगह से पास करा रहे हैं जो एकदम बंजर ज़मीन है, आपका एकदम जंगल है, इनहैबिटेट एरिया है, जहाँ पे ज़मीन का कोई यूज़ ही नहीं है, बस हम वाइल्ड लाइफ को नहीं छेड़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बोल रहे हैं, जो बिल्कुल एकदम नए सिरे से तैयार हो रहा है एकदम स्क्रैच से, तो उसको क्या बोला जा रहा है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। और इसको हम इनहैबिटेट एरिया से पास कराते हैं, रूरल एरिया से पास कराते हैं, एकदम आप ये समझिए बंजर ज़मीन, एकदम जंगली एरिया, बस वाइल्ड लाइफ को छेड़खानी नहीं करनी है, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। अब ऐसे करने से क्या होता है कि जो आपकी लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है। अब आप किसी अच्छी खासी जगह से पास करा दीजिए तो वहाँ पर लैंड कितना महंगा होगा, गवर्नमेंट लैंड एक्वायर नहीं कर पाई, इतना महंगा एक्वायर करेगी तो फिर कैसे कंस्ट्रक्शन करेगी। लेकिन आप किसी बंजर ज़मीन से जाएंगे तो ज़मीन की कॉस्ट भी कम होती है और चीज़ें भी बन रही होती हैं। तो ऐसा एक्सप्रेस वे जो बिल्कुल एकदम नए सिरे से बन रहा है, इनहैबिटेड एरिया से पास हो रहा है, एकदम लो कॉस्ट आपकी लैंड है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे आर डिज़ाइन टू अवॉइड इनहैबिटेड एरियाज एंड गो थ्रू न्यू अलाइनमेंट टू ब्रिंग डेवलपमेंट टू न्यू एरिया एंड टू रिड्यूस लैंड एक्विजिशन कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन। तो ऐसा समझिए, एकदम मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेस वे जिसको हम एकदम नए सिरे से तैयार कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जा रहा है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। और ऐसे एक्सप्रेस वे को हम ऐसी जगह से पास कराते हैं जिस जगह की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है, एकदम आपकी कतई बंजर ज़मीन होती है, जंगली एरिया से पास कराते हैं, वहाँ पे कोई लोग ही नहीं रहता है, बस आपकी जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे होते हैं, तो उसकी लैंड एक्विजिशन कॉस्ट कम होती है, चीज़ें आपकी चीप हो रही होती हैं, सस्ती बन रही होती हैं। अदरवाइज़ आप किसी ऐसी जगह से पास करा दीजिए जहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, आपकी अच्छी खासी ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको जब आप लैंड एक्वायर करेंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत महंगा पड़ेगा। तो जब आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्टिंग में उसका जो अलाइनमेंट डिज़ाइन किया गया था वो ग्रीन फील्ड नहीं था, तो उसके जो पर एकड़ की लैंड एक्विजिशन कॉस्ट थी वो 3-4-5 करोड़ के आसपास थी, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें बजट के बाहर जा रही थी तो उसका फिर से अलाइनमेंट डिज़ाइन किया गया, तो उसके बाद उसकी जो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट आई वो करीब आपकी 80 लाख रुपीज़ के आसपास हो गई थी पर एकड़ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे एक्सप्रेस वे जिसको एकदम हम नए सिरे से तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, नई जगह से लेके जा रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो उस जगह की इंपॉर्टेंस भी कम है, तो चीज़ें आपको सस्ते में मिल रही होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे की। तो ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे क्या होता है, ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट इज़ द वाइडनिंग डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज, द अपग्रेडेशन ऑफ हाईवे इज़ द ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट विच हैज़ हाई ट्रैफिक डिमांड एंड इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन सेटअप। तो इसको आसान भाषा में समझें तो ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे वो एक्सप्रेस वे होते हैं जो कि हमने
किसी एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे को, स्टेट हाईवे को अपग्रेड कर दिया, ठीक है ना, और उसको बना दिया हमने एक्सप्रेसवे, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे। हम इसको नए सिरे से तैयार नहीं कर रहे हैं, कोई आपका 4 लेन का हाईवे होगा, 6 लेन का हाईवे होगा, बस हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, तो उसको क्या बोला जा रहा है, ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे। नए सिरे से कुछ तैयारी नहीं हो रही है, बस हमने मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे कहलाएगा। और ऐसा प्रोजेक्ट जिसको हम एकदम नए सिरे से तैयार कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके, तो वो क्या होता है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। और ऐसे एक्सप्रेसवे जिसको हम मॉडिफाई करके बना रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे। तो सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप सुनेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बोले ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, ये ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे है, तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है तो एकदम नए सिरे से तैयार हो रहा है, ठीक है, हमने किसी एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई नहीं किया है। अगर किसी प्रोजेक्ट में ब्राउन फील्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमने किसी एग्जिस्टिंग हाईवे को, भले वो स्टेट हाईवे हो या फिर नेशनल हाईवे हो, उसको मॉडिफाई किया है, तब जाके वो आपका ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे कहलाएगा, क्योंकि वो नए सिरे से तैयार नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सप्रेस वे कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको नेशनल एक्सप्रेस वे बताया, आपको स्टेट एक्सप्रेस वे बताया, इसके बाद मैंने आपको लैंड के अकॉर्डिंग बनाया, और उसके बाद हमने आपको कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सप्रेस वे कितने टाइप के होते हैं, तो इससे आपकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपकी क्लियर हो रही होगी। बाकी ये सेशन काफ़ी लेंदी हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।